टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनेट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं, मुझे तो वहीं छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला, ड्राइवरों ने गाड़ियाँ बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपये देती थी। मतलब पहले हाँ, फंदा लगाया, फिर हाँ, फंदा टाइट किया। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर। आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने। जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया। यामा वालों ने? हाँ, क्यों निकाला? हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया। मैंने कि अब कहाँ जाऊँ, कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो। तो फिर उससे मैं निकल के फिर मैंने गाड़ी का प्लान बनाया है। आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूँ, लेकिन ITI करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था। क्या क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक। तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे। तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना। हाँ, परमानेंट नहीं करना है तो मतलब 6 महीने का ब्रेक। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजेक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने, मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा यार, एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना, कि भैया थोड़ा हाँ, सा पैसा लास्ट में जाके अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए। बिल्कुल, दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा, ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के, माफ, कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाल, हाँ, बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना हाँ, कम से कम, हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। जिसने गाड़ियां लेनी ना सर, किस्तें नहीं डाल पा रहे, ये कंडीशन है। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इस टाइम, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है काम के लिए, कौन सा? वो दिन चले गए, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई दिन मेरा 5,000 का नहीं आया। आपका थोड़ा सा पैसा बचता है या बिल्कुल नहीं बचता? सर, हमने तो आज तक 10,000 की गड्डी से बना के चुका है। आज कमा के गया, राशन वाले को दे दिया, कल जो कमा के भाई 4 दिन का इकट्ठा करके यार फीस बन गया, इसलिए नहीं। सारा पैसा कमाता हूँ लेकिन चला जाता है। ये देख लो सर, सारा कुछ डेली का, वो एक एक दिन के ट्रांजेक्शन देखो ना सर, कितना गैस। वो कभी ये नहीं है कि खुशी के हो गए, आज बच्चों से कहो चलो 10,000-20,000 रुपए डाल के, कि आज चलो तुम्हें घुमा के लेके आते। आगरा पेपर दिया था टेट का, लेकिन वो लीक हो गया, उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा, तो उसमें आपका पूरा पैसा जाया हो गया, खत्म हो गया। तो आप क्या सोचते हैं ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में, ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है? मतलब ये टेम्पररी है? परमानेंट है, लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया, मतलब वही के वही है, उतना ही है। मतलब खा लिया, उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो घर था। कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इनसे बात करना हो तो, जो आप लोग इन पर डिपेंडेंट हो, तो आपसे भी बात कर लूं। 24 घंटे हो जाते हैं, ना खाने का सिस्टम, ना सोने का, वही है। 24 घंटे होने के बाद तो फिर ऐसा ही होता है, टेंशन रहता है। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें IAS में जाने के लिए। घर का जो खर्चा था उसका ब्रेकडाउन क्या है, कितना पैसा कहाँ जाता है? एजुकेशन में सर इसकी, क्योंकि अभी यही एजुकेशन कर रहा है, क्योंकि वो तो नहीं हो पाया, छोटी अभी, नहीं छोटी तो नहीं है, एज हो गई करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इनकी मंथली लगभग में 3.5 के समथिंग फीस, फिर रेंट पर पोर्शन है तो सर उसका लगभग में 8 के समथिंग पड़ता है, लाइट वगैरह, और उसके बाद में सर राशन है किचन का, लगभग में पड़ जाता है 7-8 का समथिंग, क्योंकि हर चीज़ पे तो रेट इतने हाई है। जब तक कोई फ्यूचर नहीं होगा तो क्या होगा सर, ना तो इनका दिख रहा है ना हमारा दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा खा लिया?